वहीं बता देते हैं जहां सत्संग में भगदड़ में 116 लोगों की मौत का मामला हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुकदमा लिखा गया। हाथरस में अब तक 116 लोगों की मौत। आईजी शलभ माथुर ने की 116 मौतों की पुष्टि। मरने वालों का अभी बढ़ सकता है आंकड़ा। हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा। गाड़ी कहाँ है? एडीजी और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? टोटल अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? कैजुअलिटी कितनी है टोटल? आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया ये संख्या कोई हमारे उससे अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की सर वहीं सत्संग में भगदड़ में 116 लोगों की मौत का मामला हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुकदमा लिखा गया है, जहां बाबा के मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर पर लिखा गया है मुकदमा। हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुकदमा लिखा गया बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर लिखा गया मुकदमा। हाथरस पुलिस ने बाबा को एफआईआर में नामजद नहीं किया। सेवादार और अन्य आयोजकों पर ही पुलिस ने लिखा केस। सत्संग में आयोजन की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। 80,000 की अनुमति ली और भीड़ आई 2.5 से 3 लाख। पुलिस के एफआईआर में सारी लापरवाही सेवादारों की बताई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान भी जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो जिस तरीके से हाथरस में यह हादसा हुआ है जहां पर कई लोगों की जान गई है, उसमें बदायूं के भी कुछ निवासी बताए जा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए जी। सत्संग में जाने के बाद जब वहां पर भगदड़ मची थी और सबसे बड़ी लापरवाही वहां पर देखी जाए तो प्रशासन की है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले जो प्रशासन ने अनुमति दी थी वो केवल 80,000 भीड़ की थी, लेकिन वहां पर 2.5 से 3 लाख जो भीड़ थी पहुंची थी और भीड़ बेकाबू हो गई और वहां पर जो है भगदड़ मचने की स्थिति बनने के बाद वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। और यहाँ तक की अगर बदायूं जनपद की बात किया तो बदायूं जनपद की 5 महिलाएं वहां पर मौत हो गई थी। और यहाँ पर बदायूं ने एक कंट्रोल नंबर भी जारी किया है जिससे पूरे बदायूं को अवगत कराया है कि अगर कोई कहाँ है या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और रितेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बदायूं की रहने वाली 5 महिलाओं के हादसे में मौत हो गई है, क्या उन 5 महिलाओं के शव उनके घर पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सबकी अगर बात की जाए तो उनके परिजन जो है वो कल ही रात में ही यहाँ से निकल चुके थे जहाँ उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, हाथरस के लिए निकल चुके हैं और अभी तक उनके जो शव है वो आए नहीं है। जैसी ही जानकारी आएगी लगातार डीएम से और हमारे भी उच्च अधिकारी यहाँ पर है बदायूं में, इनसे भी हमारी वार्ता चल रही, जैसी भी जानकारी होगी वो तुरंत हमें उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि उनके जो परिवार वाले हैं वो हाथरस के लिए निकल चुके हैं, पोस्टमार्टम होने के बाद सब इनको मिल जाएगा जी। बिल्कुल। और रितेश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो मृतक हैं उनके क्या परिवारजनों से बातचीत हो पाई है, क्या उनसे आपने कुछ बातचीत की है? देखिए, परिवार वालों से हमने बात की, लेकिन परिवार वालों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही तो हुई और जो लापरवाही जिसने लापरवाही की है और जो आरोपी है इसमें फिलहाल 2 आयोजक जो थे उन पर FIR की और अन्य भी आरोपी अभी तक जो है सामने आने की यहाँ पर संख्या जताई है। परिजनों का यही कहना है कि जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और साफ तौर पर परिजनों ने कहा कि हम किसी प्रकार की अभी तक बात नहीं कर पाएंगे, हम इस हालत में नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से हादसा हुआ है लगातार लोग अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि सेवादार जिम्मेदार है तो वहीं कुछ लोग प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या बदायूं की अगर हम खास तौर पर बात करें तो बदायूं में क्या कोई ऐसा परिवार भी है जो कि सत्संग में शामिल होने के लिए गया हो पर उनके परिजन अभी तक उन्हें ना मिल पाए हों? देखिए, बिल्कुल अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो लोग परिजन मिलने गए थे, 5 लोगों की यहाँ पर जो है
मृत्यु होने की बात सामने आई और 5 लोगों की जो डेड बॉडियां थी वो वहां पर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी गई। और भी जो लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं और क्या नाम है तैसीलों की अगर बात की जाए तो कटौली और बिल्टी सहजवान और लवारी यहाँ पर तमाम जो है लोग गए थे, लेकिन जो अभी तक निकलकर मामला सामने आया केवल 5 मौतें हुई हैं और जिनका नाम जो है डीएम ने अपने संज्ञान में लेकर उनके नाम जो है सार्वजनिक किए हैं जिनकी मौतें हुई हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बदायूं में फिलहाल जिन 5 महिलाओं की बात हुई है उनके परिजनों को उनकी जो शव हैं वो सुपुर्द कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया रितेश आपका।